अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी वो एल्बिनोज़ के ऊपर थी, उसके बाद पारब्लूज़ के ऊपर बनाई कि पारब्लू को आप फिशरी से लगाएंगे, उसके बाद पारब्लू टू आप पारब्लू का, तो उसमें से फिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। तो काफ़ी फरमाइश आ रही थी भाई आप कॉकटेल के ऊपर फिजिबिलिटी बनाएँ। तो लास्ट जो मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी, आपको एक सेटअप दिखाया था, इनो कॉकटेल का सेटअप मोस्टली लगा हुआ था। तो आज जो है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इनो कॉकटेल की फिजिबिलिटी है। तो ज़्यादा पेयरिंग नहीं है, 5 पेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। 5 पेयर्स लगाएं तो आप एक साल में कितने कमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप लोगों को सीखने का मौका मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो है 5 पेयर्स लेने हैं इनो कॉकटेल के। इनो रेड आइस कॉकटेल है, तो बहुत जैसा एल्बिनो रेड आइस बर्ड है, इस तरह इनो कॉकटेल बहुत लाइक करने वाला पसंद परिंदा है। वाइट कलर का बर्ड है, आंख लाल होती है। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इनो कॉकटेल है। तो इसलिए जैसे कि एल्बिनो रेड आई बर्ड भी इसी तरह रेड आई का था और वाइट कलर का था, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लाइक किया जाता है, इसी तरह इनो कॉकटेल भी लाइक किया जाता है। तो इसकी डिमांड भी, मार्केट भी बहुत अच्छी है और सेल करना भी इसको बहुत आसान है। तो उसके लिए हमें पहले 5 पोर्शन केज लेना है, जिसका साइज़ होना चाहिए 2x2, कम अज़ कम 2x2 का साइज़ होना चाहिए। 2x3 होगा तब भी बेस्ट है, 3x3 होगा तब भी बेस्ट है, मगर 2x2 मिनिमम साइज़ होना चाहिए ताकि अच्छी ब्रीड उसमें आ सके। तो हम अगर यूज़ केज लेंगे विद बॉक्स, हमें 10,000 रुपये का पड़ेगा 5 पोर्शन केज। और इनो कॉकटेल इस टाइम पे 12,000 का भी चल रहा है, कोई 13 का भी दे रहा है, कोई 14 का भी दे रहा है। हर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू ब्रीडर पेयर होगा या अडल्ट है, उसकी एज के हिसाब से उसकी प्राइस होती है। तो मैं कहता हूँ अगर हम एक पेयर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का हमें कॉस्ट करेगा, ये मैं फिजिबिलिटी आइडिया बता रहा हूँ, मेरे रेट्स को इतना फोकस नहीं किया करें, बस एक मैं आइडिया बता रहा हूँ। अगर हम इतनी अमाउंट लगा के इस हिसाब से हम पेयर ख़रीदते हैं तो उसके हिसाब से हम अगर हमने 10,000 का लिया तो उसके बच्चे कितने के बिक जाएंगे और उसमें से हमें प्रॉफिट कितना होगा। अगर ज़्यादा होगा डेफिनेटली बात है, फिर उसके बच्चों के भी रेट्स ज़्यादा होंगे। अगर सस्ता होगा तो उसके बच्चों के भी रेट सस्ते होंगे, डेफिनेटली सी बात है। ये प्राइस के ऊपर इतना मैं आपको बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक फिजिबिलिटी बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ कि अगर इतने का हमें कॉस्ट करता है, 10,000 रुपये का एक पेयर कॉस्ट करता है, हम 5 पेयर ख़रीदते हैं अगर, तो 50,000 रुपये के हमें पेयर पड़ेंगे। तो 5 पेयर हैं तो इतना ज़्यादा दाना भी नहीं खाएंगे, डेफिनेटली सी बात है। 5 पेयर 5 किलो भी नहीं खाएंगे एक दिन, एक महीने के अंदर 5 किलो दाना भी नहीं खाते, 5 पेयर 5 किलो दाना भी नहीं खाते। तो फिर भी पूरे इसकी सॉफ्ट फूड, एक साल का जो एक्सपेंस है उसके साल का फीड का सॉफ्ट फूड मस्ट होता है, इसलिए क्योंकि ये ऐसा बर्ड है जो सॉफ्ट फूड खाए बगैर बच्चों को सही तरह पालता नहीं है। तो सॉफ्ट फूड और सप्लीमेंट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ये मस्ट है। तो पूरे साल का एक्सपेंस जो आएगा वो आपको 5 पेयर 10,000 रुपये का एक्सपेंस आएगा कि 10,000 में आप सॉफ्ट फूड भी उसको डाल दोगे, 10,000 में आप उसको दाना भी अच्छा खिला सकते हो, उसकी वेजिटेबल्स और उसकी प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ उसको मिल सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंस जो पूरे साल का हमारे पास आएगा वो आएगा 70,000 रुपये, पूरे साल में हमें 70,000 इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद ब्रीड के ऊपर हम आते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 पेयर हम खरीदते हैं तो 3 पेयर ब्रीड करते हैं, 4 भी कर सकते हैं 5 भी कर सकते हैं, वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं, अब लोग कहते हैं एक पेयर भी नहीं चले, भाई अगर एक पेयर नहीं चल रहा वो तो आपकी किस्मत की बात है, ये तो लॉजिकली बात है। अगर पेयर नहीं चलेगा तो प्रॉफिट तो कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा तभी आप ये बर्ड लगा सकते हैं, तभी इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप ये बर्ड लगाओगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप लॉस भी उठा सकते हो, अगर आप लकी हो तो आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। फिर भी मैं फिजिबिलिटी बता रहा हूँ, अगर हम 5 पेयर लेते हैं, 5 में से 3 पेयर अगर हम ब्रीड करते हैं, 2 पेयर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ब्रीड नहीं कर रहे आपके पास फॉर एग्जांपल, और एक पेयर 4 बच्चे देता है, 5 बच्चों की गुड़ियों के पास एवरेज आती है, 6 की भी आती है, 3 की भी आती है, 2 की भी आती है, ये सीक्वेंस है, मगर मैं 4 की एवरेज बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने, क्योंकि इसकी पेयर की मैंने एवरेज कम की है कि 3 पेयर, हालांकि मैं 4 पेयर की भी एवरेज दिखा सकता था, मगर मैंने कहा अगर 3 पेयर ब्रीड करते हैं और 4 बच्चे देते हैं, एक पेयर अगर 4 बच्चे देता है तो एक क्लच में हमारे पास 12 बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने 10,000 का पेयर लिया, मतलब कि 5,000 का पीस लिया, तो उसका एक बच्चा 3,000 रुपये का सेल हो जाता है। अभी भी मार्केट में 3500 रुपये 4,000 रुपये पीस लोग सेल कर रहे हैं पट्ठे, ठीक है। तो मैंने रेट दिया है 3,000 रुपये का, अगर हम एक बच्चा सेल करते हैं, एक क्लच में अगर आए 12 चिक्स, ठीक है, तो हमने 12 को मल्टीप्लाई किया 3,000 के हिसाब से, तो बनता है 36,000 आपने एक क्लच में कमाया। अगर हम 2 क्लचेस लेने में कामयाब होते हैं, 2 क्लचेस का मतलब होता है 24 चिक्स, 24 × 3,000 = 72,000 हैं।
अगर आप तीन क्लचेस लेने में कामयाब होता है, तीन क्लचेस का मतलब होता है 36 6 36 6 का, वो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3000 के हिसाब से तो बनता है 108000 रुपये। और अगर आप चार क्लचेस लेते हो, चार क्लचेस लेने में कामयाब होते हो तो 48 6 बनते हैं, 48 6 का मतलब होता है 1,44,000। और अगर आप 5 क्लचेस लेते हो तो 5 क्लचेस का मतलब होता है 60 चिक्स, 60 चिक्स का मतलब होता है 1,80,000। अब बंदा पूछे कि भाई ये तो चार क्लच और 5 क्लच कैसे आ सकते हैं? कॉकटेल ऐसा बर्ड है, किसी प्रोफेशनल्स को भी पता, गर्मी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। तो इसको गर्मी या सर्दी का मसला नहीं है कि आप कहेंगे सर्दी में ब्रीड नहीं करेगा। जिस तरह हम बर्ड्स कहते हैं कि यार अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बर्ड ब्रीड नहीं करता, सिर्फ 9 महीने ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इसके 9 महीने से इसका लिंक नहीं है। ये पूरा साल ब्रीड करता है, सर्दी में भी ब्रीड करेगा, अगर आपको अच्छा टेम्परेचर दोगे अच्छी एवरेज आएगी, मगर गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। गर्मियों में इसकी एवरेज भी बढ़ जाती है और गर्मी में खुशी से ब्रीड करता है। जैसे डव है, डव गर्मी का बर्ड है, फिंच जावा ये ऐसे बर्ड होते हैं, और कॉकटेल ये ऐसे बर्ड होते हैं, ये गर्मी के हिसाब से हैं। अब सीज़न ऑफ हो जाता है, अगर आप एक ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं तो अगर आपके पास ये बर्ड नहीं लगा हुआ तो आपका बिल्कुल ही सेटअप ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ना डव रखी हुई है, ना फिंच रखी हुई है, ना जावा रखी हुई है, ना कॉकटेल रखा हुआ है, तो आपका जो ऑफ सीज़न है वो आपके पास इनकम नहीं आएगी बिल्कुल भी, आप ज़ीरो हो जाओगे। तो इसलिए आप ऐसे बर्ड लगाएं, साथ कॉकटेल हो गया, फिंच हो गई, डव हो गई, ऐसे पेड़ लगाएं जो कि आपका गर्मी का दाना पानी निकाल सकते हैं, बेशक प्रॉफिट इतना ना दे आपको, आपको कम से इतना हो गया आपके जो बाकी बर्ड हैं इनके बच्चे वगैरह बेच के आपको अपनी जेब से ना भरना पड़े। मैं कहता हूँ इंसान ऐसा कारोबार करे जिसको उसको जेब से पैसा ना भरना पड़े, वो पैसा उसके बर्ड्स में से निकले, उसी में से वो प्रॉफिट भी कमाएं और बर्ड्स अपना एक्सपेंस भी खुद ही उठाएं, तब मज़ा आता है बर्ड्स का शो करने में। तो अगर आप ये बर्ड्स लगाएंगे, ये तो आपका ऑफ सीज़न मतलब कि गर्मियों में भी ये अच्छी ब्रीड करता है, गर्मियाँ इनके लिए सीज़न ऑन होता है कि गर्मी में ये अच्छा बर्ड ब्रीड करेगा, आप इसको लगाएं सेटअप। 5 पेयर्स अगर आप एक साल में 1.5 लाख भी कमाते हैं, नॉट बैड, वो आपका पूरे साल में फॉर एग्जांपल आपने अगर अच्छा सेटअप लगाया तो आपके बर्ड्स का दाना पानी भी उसमें से निकल रहा है, तो बहुत है। 1.5 लाख रुपये थोड़ा नहीं है, 5 पेयर से 1.5 लाख कमाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट है। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पेयर लगे हों, 10 लगे हों, 20 लगे हों, 15 लगे हों, तो फिर डेफिनेट वैसे उसकी एवरेज भी आपके सामने आएगी तो आप अच्छी अमाउंट भी कमा सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और आप लोग जो है कमेंट किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अब किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं ताकि मैं उस तरह की वीडियोस लगाऊंगा। सीज़न ऑफ हो चुका है, ब्रीडिंग सीज़न ऑफ है, मैं प्रोग्रेस नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा बर्ड सारा रेस्ट पर पड़ा हुआ है। तो मैं अभी एक आइडियाज़ बताऊँगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उस पर मैं आपको बताऊँगा कि अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि नए बंदा बर्ड्स कैसे रखे, कौन से बर्ड्स से स्टार्ट ले, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो देख के बर्ड को लेनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।